हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा वेटनोवेट सी के बारे में। वेटनोवेट सी एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन किया हुआ ड्रग्स है। वेटनोवेट सी एक स्टेरॉइड दवाई है। वेटनोवेट सी कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है। आजकल देखता हूँ ज़्यादातर लड़कियों के ड्रेसिंग रूम में पहुँच गया है वेटनोवेट सी। सिर्फ वेटनोवेट सी नहीं, वेटनोवेट सी, वेटनोवेट एन, वेटनोवेट जीएम, वेटनोवेट क्रीम, ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है। ये एंटी इन्फेक्शन क्रीम है जो शुद्ध हिंदी भाषा में दांत खाज खुजली के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग लिखते हैं। तो जो लड़कियां इसको फेयरनेस क्रीम गोरे होने की चाहत में इसको यूज़ कर रहा है, वो अपने स्किन के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। इसका बहुत से साइड इफेक्ट है, जैसे स्किन को पतले कर देना, स्किन में बाल उगाना, ये इसका साइड इफेक्ट होता है। और इसको जैसे ही आप लगाना छोड़ दोगे तो आपका स्किन पहले से और ज़्यादा डल हो जाएंगे, खुजली होना चालू हो जाएंगे, तरह तरह के दाग धब्बे आना चालू हो जाएंगे। तो गैस आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप फेयरनेस क्रीम की जगह यूज़ मत करिए। अगर आप लोगों को फेयरनेस से कोई प्रॉब्लम है, दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल है, तो मेरा शॉर्ट वीडियो जाके देख लीजिए। उसमें मैंने एक से एक होम रेमेडीज देकर शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ, जिसमें किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे बनाना है, टोटल डिटेल्स में मैंने दे के रखा हूँ। और उसको आप लोग अप्लाई करिए, बड़े आसानी से आप लोग घर पे ही बना सकते हैं, बहुत कम खर्चे में। उससे आप लोगों को डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, ब्लैक स्पॉट, एक्ने, सभी समस्या ठीक हो जाएंगे। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये फेयरनेस क्रीम नहीं है, ये एंटी इन्फेक्शन, एंटी एलर्जी क्रीम है। तो आप लोग इसको यूज़ नहीं करिए, इससे आप लोगों को चेहरे पे, आप लोगों को स्किन पे बहुत प्रॉब्लम आएंगे। गैस कोई भी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसका सही सलाह, सही जवाब दूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आगे भी इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूँगा और मैं आप लोगों को मदद करके मेरे को बहुत खुशी मिलती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को कमेंट करिए, मैं आप लोगों को कंसल्टेंसी दूँ। ओके गाइस, अच्छा रहिए, सुस्त रहिए। फिर मिलता हूँ मैं अपना अगला शॉर्ट वीडियो में, एक से एक बढ़िया से बढ़िया रेमेडीज लेके, जो आप लोगों को फायदा भी करेगा, नुकसान भी नहीं होगा, अच्छा भी लगेगा। ओके गाइस।